तो इस सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं यूजिंग एक्सेप्शन और पेरेंट क्लास इन जावा। तो आपने एक्सेप्शंस के अंदर बहुत सारी एक्सेप्शन की क्लासेस पढ़ी हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस खुद एक्सेप्शन क्लास की, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सबका पेरेंट क्लास कौन है? सारे एक्सेप्शंस का, जो हमारे पास रन टाइम एक्सेप्शन है, जो हमारे पास कौन सी है, चेक्ड एक्सेप्शन है, यानी कि हमारे पास कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है, इन सबकी एक्सेप्शन कौन सी है हमारे पास? पेरेंट क्लास है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अर्थमेटिक एक्सेप्शन आती थी तो मैं यहां पे आके अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिखता था केच ब्लॉक के अंदर, है ना। एज इट इज अगर मेरे पास कोई नल पॉइंटर एक्सेप्शन आती थी तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन के थ्रू हैंडल करते थे, और हमारे पास अगर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आती थी तो हम उसको ऐसे हैंडल करते थे। बजाय बार बार केच लिखने के, क्यों ना मैं पेरेंट क्लास खुद एक्सेप्शन यूज कर लूं। समझ में आ रहा है कुछ? अब मैं ऐसा करूंगा, देखें, अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पे नेटबीन के अंदर आता हूं और यहां पे पेरेंट के नाम से क्लास बना देते हैं, सही है। और इसके अंदर मैं जो है एक दो एक्सेप्शन प्रोवाइड कर देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि इंटीजर ए इज इक्वल टू 12, इंटीजर बी इज इक्वल टू 0, और इंटीजर सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी। इसी लाइन पे एक्सेप्शन आ जाएगी, है ना, और इसको हैंडल कौन करेगा? अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं कि यहां पे आके मैं ट्राई के अंदर लिख देता हूं इसको, और केज के अंदर हम इसको क्या कर लेंगे? केज कर लेंगे। एक्सेप्शन का नाम क्या है? अर्थमेटिक ठीक है, यहां पे आते हैं हम अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन चले हम दे देते हैं, फिर अगर ये आता है तो फिर हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसका स्पेसिफिक नाम देख लेते हैं कौन सा आ रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। कौन सी आ रही है? अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक थी। मैं यहां पे आता हूं और ट्राई के अंदर जाते हैं, और ट्राई के अंदर ये कोड प्रोवाइड कर देंगे, और केच के अंदर हम इसको केच कर लेंगे। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है? तो अगर हमारे पास, चले मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूं कोड को, कोड फॉर्मेट यहां से ये आ रहा है, ताकि वो अच्छे से कोड नजर आ जाए, सही है, फॉर्मेट के साथ। अब मैंने क्या किया, ट्राई के अंदर इस लाइन पे हमारे पास क्या आ रही है? एक्सेप्शन आ रही है, उसको मैंने हैंडल किया और यहां पे आके उसको हैंडल कर रहा हूं, ऐसे ही है। अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, अभी तो चले मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो ये हैंडल हो रही है ना, अब ये हैंडल हो रही है क्योंकि हमने यहां पे आके क्या किया है, एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। और मैं ये मैसेज भी शो करवा देता हूं, और ये है ई, एग्जीक्यूट करवा देता। तो देखिए हैंडल कर रहा है कौन? अर्थमेटिक एक्सेप्शन इसको हैंडल कर रही है, और एक ऑलरेडी डिफाइंड जो हमारा मैसेज है वो शो हो रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यूजर ने यहां पे जीरो के मकसद जीरो की जगह पे क्या दे दिया, डबल कोट के अंदर अली दे दिया, क्या दे दी, यानी कि स्ट्रिंग दे दी। अभी क्या कर रहा है यूजर, स्ट्रिंग वैल्यू को डिवाइड करवा रहा है किसके साथ, नंबर और स्ट्रिंग की जो है आप संभालोगे, यहां पर क्या हो रही है, डिवीजन हो रही है। तो यहां पर आपके पास एक्सेप्शन आ जाएगी, और ये एक्सेप्शन कौन सी है हमारे पास, ठीक है, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन टाइप की हमारे पास आ जाती है, ऐसे ही है। तो अगर हमारे पास इस टाइप की एक्सेप्शन आती है, या हमारे पास कोई दूसरी एक्सेप्शन है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर मैं कहूं कुछ ऐसा सीनेरियो है कि अगर मैं यहां पे एक एरे बना रहा हूं इंटीजर ए, और यहां पे इसी एरे के अंदर मैं नंबर ऑफ वैल्यूज पास कर देता हूं, यानी कि मैं लेंथ जो एरे की डिफाइन कर रहा हूं यहां पर कर रहा हूं 2, कितनी लेंथ है इसकी, 2 है, इसका नाम d रख देते हैं क्योंकि ऑलरेडी a के नाम से वेरिएबल है ना। तो d के अब मैं 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर कर रहा हूं, मैं फॉर एग्जांपल 1 स्टोर कर देता हूं, और इसके d के 1 इंडेक्स पे मैं स्टोर कर देता हूं सपोज 4। अब इसके अंदर हमने लेंथ एरे की क्या बताई है, नंबर ऑफ 2 एलिमेंट्स, है ना। अब अगर मैं 2 से ज्यादा वैल्यू देता हूं, 2 से
ज्यादा वैल्यू देता हूं तो मैं यहां पे आके क्या करूंगा, डी के अंदर फॉर एग्जांपल मैं टू के जो है इंडेक्स पे क्या स्टोर करवा रहा हूं, चले मैं फाइव स्टोर करवा रहा हूं। तो क्या हो रहा है, आपके पास अब जो एक्सेप्शन आने के चांसेस है वो होगी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। यहां पे दो किस्म की एक्सेप्शन है ना, तो आप क्या करोगे बार बार जाके नीचे कैच बनाओगे, है ना। अब क्या बनाओगे नीचे जाके फिर से कैच बनाओगे। अब चले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, देखें कौन सी एक्सेप्शन आ रही है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंस एक्सेप्शन। अब इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीपल कैचेस यूज करोगे, है ना। अब मैं यहां पे आके क्या करूंगा कैच, और इसके अंदर ये फिर से एक्सेप्शन हैंडल करवा दूंगा। ठीक है, और मैं इसके अंदर ये एग्जीक्यूट करवा देता हूं, समझ में आया। अब ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंस एक्सेप्शन भी हैंडल कर रहा है और कौन सी अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी हैंडल कर रहा है, क्लियर। अब मैं फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट करता हूं तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन हमारी क्या हो रही है, हैंडल हो रही है। वो बता रहा है कि एरे की लेंथ 2 है तो आप सिर्फ 2 ही वैल्यू देंगे, 2 से ज्यादा नहीं देंगे। अच्छा, यहां पर बात समझने की कोशिश कीजिएगा, जिस भी लाइन पे हमारे पास एक्सेप्शन आती है, इस लाइन पे एक्सेप्शन आ गई तो इसी लाइन से आपका ये डायरेक्ट चला जाएगा इस केच की तरफ। ये जो बाद की एक्सेप्शन है इसको देखेगा अभी नहीं, ये याद रहे, ठीक है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन को नहीं देखेगा, ये तब देखेगा जब हमारे पास इधर एक्सेप्शन नहीं आती, सही है। अगर एक्सेप्शन ऊपर नहीं आती तो फिर इसको चेक करेगा, वरना आपको पता है कि जिस भी लाइन पे एक्सेप्शन मिली वो डायरेक्ट केच की तरफ भागता, सही है, और आपके किसी भी स्पेसिफिक केच की तरफ जाएगा जो इसको हैंडल करेगा। तो बजाय बार बार केच लिखने के, कल को अर्थमेटिक आ रही है, ये आ रही है हमारे पास, कल को नल पॉइंटर आ सकती है, कोई नंबर जो है मिसमैच की आ सकती है ना, हमारे पास और भी बहुत सारी एक्सेप्शंस आ सकती हैं। तो बजाय बार बार केच लिखने के मैं क्यों ना एक ही क्लास यूज कर लूं, कौन सी, मैं यहां पर आके जो है क्लास यूज कर लूंगा खुद एक्सेप्शन। कौन सी क्लास, जो आपकी लास्ट केच के अंदर मैं दे देता हूं एक्सेप्शन, और मैं यहां पे आके कर देता हूं अननोन एक्सेप्शन हैंडल, समझ में आया। तो अगर फॉर एग्जांपल ऊपर हमारे पास दो एक्सेप्शन है, उनके अलावा भी अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो कौन हैंडल करेगा, ये आपका एक्सेप्शन क्लास, क्योंकि सबका पेरेंट क्लास है ना। तो जितने भी क्लासेस इससे एक्सटेंड होते हैं, यहां पे देखें जितने भी क्लासेस यहां पे इससे एक्सटेंड होते हैं, वो सारी की सारी जितने भी उनकी एक्सेप्शन है उनको हैंडल कर सकता है, सही है। आप बजाय ये कोड लिखने के, जो आप मल्टीपल कैचेस लिख रहे हो ना, ये भी मत लिखो, एक ही बार एक्सेप्शन लिख दो, ठीक है, ये हैंडल कर सकता है। जो भी एक्सेप्शन होगी ये खुद हैंडल करके यहां पे शो करवा देगा। अच्छा, ये मत लिखें, ये एफ दे दें इसको, क्या दे दें, एफ, ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ये क्या करेगा, जो भी एक्सेप्शन होगी उसके अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक आपका मैसेज शो करवा देगा। समझ में आया कि अगर आपकी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन है तो वो शो कर देगा नीचे, देखें शो कर रहा। और अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एरे की एक्सेप्शन नहीं है, अभी मैं सिर्फ इसको कमिट कर रहा हूं, सही है, अब इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो देखिए कौन सी आ रही है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो उसके अकॉर्डिंग उसका मैसेज शो करवा रहा है, सही है। अच्छा, ये बात आपके माइंड में रहे कि अगर आप पहले कैच के अंदर क्या दे चुके हो एक्सेप्शन पेरेंट क्लास, तो बाद में आपको अगर यहां पे आके आप कैच लिख रहे हो, है ना, और कैच के अंदर आप क्या दे रहे हो, फिर से कोई हैंडल करना चाह रहे हो अर्थमेटिक एक्सेप्शन समथिंग, तो आपके पास एरर आएगा। क्यों, क्योंकि ये कहेगा कि ऑलरेडी मैंने हैंडल कर ली है एक्सेप्शन, तो तुम्हें यहां पे आने की क्या जरूरत है, सही है, कि अब पेरेंट क्लास खुद हैंडल कर रहा है, फादर कर रहा है, तो ये कह रहा है कि बच्चों की कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहां से, ठीक है, तो वो वाला सीन है। तो अगर आप यहां पे फिर से आगे अर्थमेटिक को हैंडल करना चाह रहे हो तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ये अननेसेसरी कोड होगा, क्योंकि ये खुद एक्सेप्शन क्लास पेरेंट क्लास है, ये सारी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते, क्लियर है। तो ये हमारे पास पेरेंट क्लास खुद एक्सेप्शन है जिसको हम यूज करते हैं इन जावा टू हैंडल एक्सेप्शंस, क्लियर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।